उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के जिला कारागार प्रशासन द्वारा आज 5 ऐसे बंदियों को रिहा किया गया है जो सजा पूरी होने के बाद जुर्माने की रकम जमा न कराने की सजा जेल में काट रहे थे। आपको बता दें कि आधारशिला ग्रामोत्थान सेवा संस्था की पहल से इन बंदियों को आज रिहा कराया गया है। संस्था के द्वारा इन पांचों बंदी मोहम्मद मुदस्सिर, परवीन, संजीव और राशिद की अर्थदंड राशि लगभग 10,000 रुपए जमा की गई है, जिसके बाद इन पांच बंदियों को जेल से रिहा किया गया। जिला कारागार से कुछ कैदियों को रिहा किया गया है, क्या कितने कैदियों को रिहा किया? आज कुछ ऐसे बंदी छोड़े गए हैं जो अर्थदंड जमा न करने के कारण जेल में थे। वो अपनी जुर्माने की सजा काट रहे थे, क्योंकि वो गरीब बंदी होते हैं, वो अपनी जुर्माने नहीं जमा कर पाते हैं। ऐसे बंदियों का लोग सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उनका अर्थदंड जमा करा के उनको छोड़ा जाता है। आज एक आधारशिला ग्रामोत्थान सेवा समिति संस्था है, उसने इन पाँच बंदियों का जुर्माना जमा कराया था। मेरा नाम नादिर राणा है और हम आधारशिला सेवा संस्थान के साथ नई दिशाएं वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हैं और उनके लिए काम करते हैं सामाजिक। आज कुछ कैदियों को रिहा किया गया है, कौन किस तरह के कैदी थे जिनको रिहा किया गया, कौन कैदी थे? ये देखिए, अलग अलग मामलों में बंद थे और ये जुर्माना जो सजा के साथ जो जुर्माना लगता है कोर्ट की तरफ से वो अदा न कर पाने के कारण सजा काट रहे थे। उनका जुर्माना हमारी संस्थाओं की ओर से भरने के बाद उनको रिहा किया गया। किस तरह की उन्हें सजा थी, किन किन मामलों? ये अलग अलग मामलों में सजा थी और उनकी जुर्माने की राशि भी अलग अलग थी। ये जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी के अथक प्रयासों के चलते ऐसा संभव हुआ है और उनसे हमें कार्य करने की प्रेरणा और बल मिलता है। आज कितने कैदियों को रिहा किया? कुल 5 कैदियों को रिहा किया गया।